हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम GDS टू MTS मेल गार्ड पोस्टमैन और का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। अब से पहले हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आज का अपना हरियाणा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इतने तक अपने दोस्त जो है अपने साथियों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से हमारा भी मोटिवेशन रहता है और आपका भी कंपटीशन होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि GDS टू MTS मेल गार्ड पोस्टमैन का जो थर्ड टेस्ट है, जो थर्ड टेस्ट अपना है, वो स्टडी पॉइंट RC एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर DOP के ये टॉपिक्स रहेंगे। मैथ का सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और GK व GS का जनरल नॉलेज जो टॉपिक है वो अपना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है PO गाइड पार्ट फर्स्ट के बोर्ड की तरह, यहाँ पे PO गाइड पार्ट फर्स्ट के 23 क्वेश्चन और जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है उसका रूल नंबर 20 से 29 तक होने वाला है। ठीक है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये अब तक अपने जो है वो दो टेस्ट हो चुके हैं और ये अपना तीसरा टेस्ट जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। ये जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है वो आपका कंप्लीट कोर्स करवाने वाली है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इनको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको फ्री में कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, सूचनाएं जो भी होती है वो आपको दे दी जाती है और उसी के साथ में आपको डिस्कस करने का भी ऑप्शन वहाँ रहता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट से स्टार्ट किया जा रहा है तो अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर से मैं 1 नंबर क्वेश्चन तक चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है आज के वीडियो का वो है कि किस व्यक्तित्व को भारत के लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लोह पुरुष कौन है? इस ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना इसका सही उत्तर। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? वो है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, व्यक्तित्व का उपनाम है वो पूछा जाता है, जैसे महात्मा गांधी को बोलते हैं राष्ट्रपिता और बाल गंगाधर तिलक से आप संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है कि लाल बाल पाल में कौन था कौन नहीं था, ये जो तिगड़ी थी इनमें कौन शामिल थे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि लाल बाल पाल का मतलब है लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से था विपिन चंद्र पाल। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में पूछा था लोह पुरुष कौन है, तो इसका राइट आंसर अपना रहेगा वल्लभ भाई पटेल और बाकी का हमने चर्चा कर ली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ के कर सकता है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हिंदी आपसे बोल के करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी व चरमपंथी किस स्थान पर विभाजित हुए? ऑप्शन ए है सूरत, बी है कलकत्ता और सी है नागपुर और डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर है अपने पास में ऑप्शन ए सूरत। 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी और चरमपंथी का विभाजन हुआ था वो सूरत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गुजरात, सी गुजरात और बी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो इनमें से सही उत्तर रहेगा 48 का सही उत्तर है अपने पास में सी गुजरात का। डांडिया लोकप्रिय नृत्य किसका है? गुजरात का। इसी के साथ में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा बाकी ऑप्शंस पे कर लेते हैं। राजस्थान का है घूमर, मध्य प्रदेश का है राय नृत्य है वो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है। ठीक है, तो आपको इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कस करते रहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कोविड का, अब लगभग नहीं आना चाहिए ऐसा कोई क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि उस नादानी निशान का नाम बताइए जिसमें ब्रांड कोविड 19 रोगी
से एक कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है जो गंभीर स्थिति में है? ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन बी एकजुटता, ऑप्शन सी रेमडेसिविर और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिकिन। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने पास में है ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी। तो देखिए, जब कोरोना वायरस आया था तो प्लाज्मा थेरेपी यहाँ विकसित की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ऑप्शन ए है, जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो बूंदे हवा में फैल जाती है और ज़मीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। ऑप्शन बी है, यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को अंदर लेता है या इन्हें सतहों को छूता है और आगे अपने चेहरे आँख या मुँह को छूता है और संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, यदि संक्रमण व्यक्ति दूरी 1 मीटर से कम है। तो उपरोक्त सभी, तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर उपरोक्त सभी था, कोरोना वायरस फैलने के ये सभी कारण थे। नेक्स्ट अपना अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन से भाग को कहा जाता है? तो ये भाग 32 जो है उसको आत्मा कहते हैं, 32 है उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए अपने मुंह में जब दांत नहीं होते, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है यानी बूढ़ा होगा तो 32 दांत है वो गिर जाते हैं ना, तो उनकी आत्मा मतलब आत्मा जाने का टाइम हो जाता है, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो कोरिलेशन बना करके कि आत्मा अमर है पर 32 दांत जब गिर जाएंगे तो आत्मा छोड़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन अपना है कि उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति यहाँ बीच में खालिस्तान था, यहाँ बीच में खालिस्तान है, उपराष्ट्रपति खालिस्तान का पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में था ऑप्शन ए। और हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फिलहाल में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति अपने हैं जगदीप धनखड़, जो झुंझुनू जिले से, राजस्थान झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। तो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप जी धनखड़। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, राजस्थान कोटा से सांसद है, तो इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी अपने को दिया है योजना आयोग। क्या दिया है? योजना आयोग। अब देखिए, योजना आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है? योजना आयोग को कन्वर्ट कर दिया था क्या नीति आयोग नाम से? क्या नाम था? नीति आयोग। नाम चेंज कर दिया था क्या? नीति आयोग। ठीक है, अब कब किया गया था? यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को, मोदी जी ने किया था। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष। और नीति आयोग योजना आयोग से कन्वर्ट किया गया, नीति आयोग को नाम चेंज किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी भी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपने पास था कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी और इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनकी बात में कर लेता हूं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना थी वो की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 और अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग की बात कर ली, लोकसभा अध्यक्ष हमने पढ़ लिया ओम बिरला राजस्थान से कोटा से बिलोंग करते हैं, और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और फिलहाल हैं जगदीप जी धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है सोम नदी। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है अपने पास में
आप जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आपके साथ साथ में देख रहा हूँ, पर आपके कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कम समय में आपको अच्छा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हमारी ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और हमारी टीम जो आपके लिए काम कर रही है, अब तक लगभग तीन साल होने वाले हैं अपने को, और लगभग यूट्यूब पर आपको फ्री में दिया है। उसके बाद जो बुक्स हैं उनका जो प्रिंटेड रेट है वही हम आपसे ले रहे हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में होगा ऑप्शन ए गंगा। अब हम थोड़ी सी बात गंगा की कर लेते हैं। तो गंगा की टोटल लंबाई अपने पास में कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा है वो दो देशों में है, कौन सा? एक तो इंडिया और एक कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। और केवल इंडिया में हम बात करें गंगा की लंबाई, तो ये है 2510 किलोमीटर। कितनी है? 2510 किलोमीटर, ठीक है। इस जो ऐसे फैक्ट है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, भारत में सबसे ऊंचा मोटर सक्षम दर्रा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कुंजुमला दर्रा, ऑप्शन बी है बारालांचा दर्रा, ऑप्शन सी है खोरदोंग ला दर्रा, ऑप्शन डी है जोजिला दर्रा। तो सबसे ऊंचा मोटर सक्षम दर्रा कौन सा है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का अपना सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी खोरदोंग ला दर्रा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। ये भी हम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ है। तो कुंजुमला दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एसपी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और बारालांचा दर्रा भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जोजिला दर्रा और ये खारदोंगला दर्रा जो है ये दोनों कहाँ है? लद्दाख के अंदर। कहाँ है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना अपने को। इसी के साथ में मैं यहाँ एक ट्रिक लिख के रखी आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि रोहित बड़ा शर्मिला है। तो इससे अपना क्या है, रोहित से रोहितांग, बड़ा से बारालांचा बारालांचा, और शर्मिला से सिपकला दर्रा, शर्मिला से क्या? सिपकला दर्रा। तो आप इस ट्रिक से हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन दर्रे हैं उनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, 1 से 20 संख्याओं के योग का औसत क्या होगा। तो यहाँ मैंने अलग से संख्याएं लिख ली है 1 से 20 तक। तो योग का औसत, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग और टोटल जो संख्या थी उनका भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ना स्टार्ट करें, तो जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 1 और 9 कितने हो गए? 10। 2 और 8 कितने हो गए? 10। 3 और 7 कितने हो गए? 10। और ऐसे ही 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो देखिए अपने पास में यहाँ कितने 10 आ गए, 1 और 9 10, 8 और 2 10, यानी कि 1 2 3 4 4 तो 10 और 1 बीच में 5, ये कितना हो गया? 45। और 10 ये कितना हो गया? 55। ये तो हो गया 55, ऊपर वाली लाइन को हमने जोड़ लिया 55। इसी टाइप से आपको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने में आसानी होती है और सिंपल जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए 11, यदि मैं यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करूँ 11 और 19 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। फिर मैं जोड़ना चाहूँ 12 और 18 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जोड़ना चाहूँ 13 और 17, यहाँ पे 16 नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, ये 16 है और ये क्या है? 17 है, ठीक है। 13 और 17 कितने हो गए? 30। और फिर उसी टाइप से 14 और 16 कितने? 30, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, 1 यानी 30 और 30 60, और 30 90 और 30 120, ठीक है। 120 के बाद में ये 20 बच गया, 20, और यहाँ पे ये 15 बच गया, ये 15 और जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन सबको हम जोड़ लेते हैं। अगर हम अब जोड़ना स्टार्ट करें तो जोड़ेंगे तो 55 और 15 को जोड़ लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो 55 और 15, 5 और 5 10, 6 और 1 80 7, 70 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लिया, 120 और 140 हो गया ना, 140 140 और 70 को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया? 210, ठीक है। इस टाइप से हम टुकड़ों में जोड़ते हैं तो कोई संख्या छूटती भी नहीं है और आसानी से बहुत सिंपल तरीके से ये जुड़ सकता है, ठीक है।
एक 210, कितना हो गया इनका योग, कितना आ गया 210। औसत निकालने के लिए टोटल संख्याएं कितनी होगी, 20 संख्या होगी, 20 का हम भाग देते हैं, दो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगी, और 21 में यदि 2 का भाग देता हूँ तो कितना आता है, 10.5 आता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 10.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 20 वस्तुओं की कीमत 90 रुपये है, 20 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 90 रुपये, 20 की कीमत कितनी है, 90 रुपये है, एक एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 90/20, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, 9/2 हो गई, ठीक है। इसने पूछा 9 वस्तुओं की, एक की इतनी है तो 9 की 9 से गुणा कर देंगे ना, 9 वस्तुओं की कितनी हो जाएगी, 9 वस्तुओं की हो जाएगी, 9/2, और गुणा में क्या कर देंगे, 9। अब 81, 9 × 9 कितना हो गया, 81, 91, और अपॉन 2, 91 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 40.5 आंसर आ जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, अंबाला के लिए दो ट्रेन सुबह 6 बजे और 6:30 बजे मुरथल से निकलती है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करती है, मुरथल से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन है वो एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अपने को यदि आते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, जो अपने को यहाँ पे दिया गया है 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया मेरे पास में, इन दोनों का एलसीएम आएगा मेरे पास कितना, देखो एलसीएम इस टाइप से ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी ले सकते हो, ये 60 और 80, ठीक है। अब इनको यदि मैं काटना चाहूँ 20 से काट दिए, ये कितना 3 और ये कितना 4, अब देखो भाग नहीं जा रहा तो 3, 1 और 4, फिर 4 का नीचे क्या गया, 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे पास में है 20 × 3 × 4, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। अब 240 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, 240 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, पर 240 का जो है एक गुणनखंड अपने को दिखाई दे रहा है 120, ठीक है। अब 240 अपना ऑप्शन में होता तो 240 हम कर सकते थे, पर 240 से पहले, अब देखिए 240 पहले 120 किलोमीटर आया, फिर 120 किलोमीटर का अगर दुगुना करेंगे, ठीक है, वो 120 किलोमीटर पे मिली थी, फिर 240 पे मिली, और उसके बाद में देखो 240 के बाद में कब मिलेगी, 360 किलोमीटर पे भी मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से चलेगा, देखो उससे पहले वो है कहाँ पे मिली, इससे पहले वो है 60 किलोमीटर पे भी मिली थी, पर 60 किलोमीटर पे क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो हमें इस टाइप से करना होता है, एलसीएम ले लिया, अगर एलसीएम ऑप्शन में है तो वो उत्तर है, एलसीएम ऑप्शन में नहीं है तो एलसीएम को आधा कर दो, चाहे एलसीएम को दोगुना कर दो, ठीक है। एलसीएम को आधा किया 120, तो 120 अपने को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 120 इसका उत्तर होगा। यदि 120 भी ऑप्शन में नहीं होता, 240 भी नहीं होता, 240 जो अपना एलसीएम आता है उसको दुगुना करके देख लो, आधा करके देख लो, या फिर डेटा करके देख लो, ठीक है। तो अगर देखो 120, 120 के बाद 240 पे मिली, 240 के बाद कहाँ मिलेगी, 360 के ऊपर मिलने वाली थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 120, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, यदि ए और बी एक साथ कार्य को 15 दिन में करते हैं, A+B किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अपना कुल कार्य होता है, एलसीएम कितना आया 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी कार्य क्षमता निकालते हैं, 60 का यदि भाग देता हूँ मैं, सॉरी 15 का भाग देता हूँ 60 के अंदर, कितनी बार, 15 × 60, 20 का भाग दिया 60 के अंदर, कितना आएगा 3, यानी दोनों है वो तो एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेला 3 काम करता है, तो ए कितना करता होगा, दोनों तो एक दिन में 4 काम करते हैं, बी उसमें से 3 काम कर देता है, तो ए करता है 1 काम, यानी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, इसका सही का उत्तर क्या आ जाएगा, 7 days सही उत्तर होगा अपना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में, अंबाला से सोनीपत जाने वाली कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पानीपत से अंबाला वापस आने वाली, ठीक है। यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, अंबाला से चली है
पानीपत के लिए एक गाड़ी, और दूसरी गाड़ी है, नहीं यही गाड़ी वापस आ रही है, अम्बाला से वापस आ रही है, ठीक है। तो अम्बाला से पानीपत गई और पानीपत से वापस आई अम्बाला। तो इनकी गतियाँ थी, पहले जाते टाइम थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आते टाइम थी इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी चाल का औसत बताना है अपने को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी आने जाने वाले क्वेश्चन में अगर अपने को स्पीड दे रखी है और औसत स्पीड पूछता है, तो हम कैसे करते हैं, दो गुणा एक स्पीड, पहली स्पीड गुणा में दूसरी स्पीड बटा में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, इससे अपनी क्या निकलती है, एवरेज स्पीड। क्या निकलती है, एवरेज स्पीड निकल के आती है, ठीक है। तो टू इंटू, पहली चाल क्या थी, 100 थी, दूसरी चाल क्या थी, 150 थी, और भाग में क्या है, 100 प्लस 150, दोनों चाल का प्लस, ठीक है। ऊपर वाला देखो, 2 गुणा 100 इंटू में 150, और भाग में आ जाएगा अपना 250। यहाँ कैंसिल आउट करें, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से कैंसिल आउट करें, 5 3 जा एंड 5 5 जा, देन 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 इंटू 20 ये हो जाएगा 100। अब अपने पास में आया है 2 इंटू 20 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 40, 40 इंटू 3 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 1200 रुपये 3 साल के लिए 5% प्रति साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, 3 साल बाद राशि ज्ञात करनी है अपने को कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, साधारण ब्याज ऐसा ही इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 1200 रुपये मूलधन था, दर कितनी है 5%, और समय कितना है 3 साल, और भाग में 100, 200 से 200 कैंसिल आउट, 12 5 60 और 60 दिया 180, 6 3 18 60 दिया 180 हो गया, ठीक है। ये तो अपना ब्याज मिल गया, इसने कुल राशि पूछी है। तो पहले मूलधन कितना था 1200 और प्लस ब्याज 180 रुपये, यानी मूल मिश्र धन पूछे या कुल राशि पूछे एक ही बात होती है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, अपना हो जाएगा 1380 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 1380 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जिसका जिसकी का ये बोलता है तो वो आती है हमेशा राशि नीचे, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.14 अपॉन 1.9 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रतिशत, ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट को हटाना है अपने को तो नीचे क्या लगा दूँ, 100 लगा दूँगा, इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर क्या लगा दूँ, 10 गुणा कर दूँगा, ठीक है। अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर बचा है देखो ये 114 और इंटू में 10 कितना हो गया, 1140 बटे में 19, यदि 19 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 60, यानी कितना परसेंट, 60%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, 120 रुपये मूल्य की एक घड़ी 15% हानि पर बेची गई, किस कीमत पर बेचा गया था, उसे कौन सी कीमत के ऊपर बेचा गया ये हमें बताना है, 120 रुपये मूल्य वाला, ठीक है। तो यदि लाभ हानि हमें दे रखी है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 120, और ये बोल रहा है कि 15% हानि, 15% हानि, यानी देखो पहले वो वस्तु थी 100%, अब उसमें से यदि 15% निकाल दिया तो वो कितने में बिकेगी, 85% में बिक जाएगी ना, 85% में बिक जाएगी। तो 120 का 85% निकाल देते हैं, सो ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। अब हम एक तरीका तो ये भी कर सकते हैं कि 85 को 12 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 10 है 10 का भाग देंगे, यानी एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो हम 85 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे करेंगे, 5 दुआ 10 हासिल 1, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16, और इसको मल्टीप्लाई किया 5 का 5, तो 16 और 5 कितने हो गए, 31, 31 और 1 हासिल थी कितना हो गया, 32, कितना हो गया 32। देखो 32 का यहाँ लिखूँ मैं सिर्फ 2, हासिल कितनी 3, ठीक है। फिर अब इन दोनों बार वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 का 8, 8 और 3 11, यानी 1100 कितनी होगी, 1100
बीस, तो 1120 और भाग में अपने पास में 10 शेष था, यहाँ पे 10 बचा हुआ था, ये शून्य बची हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ हमने मल्टीप्लाई सीखा है कैसे करना था, ठीक है। इसकी जीरो काटने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ गया कितना, 1220, और नीचे भाग में 10 बचा हुआ था, एक शून्य से एक शून्य काट दिया, कितना आ गया आंसर, 112। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 112, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, यह बिंदु ए से बी, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ए से बी तक उत्तर की ओर जाती है, ए बिंदु, थोड़ा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये बिंदु मान लेते हैं ए, ए से रिया है वो बी की तरफ गई, जो बी है वो उत्तर में होगा, बी की तरफ, ठीक है। कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर ये बोल रहा है फिर वह बिंदु से मुड़ती है और पूर्व की ओर, पूर्व कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा, पूर्व की ओर कहाँ गई, 4 किलोमीटर चलती है और बिंदु सी पर पहुँचती है, ये बिंदु कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए व सी के बीच विस्थापन यानी दूरी बतानी है, ए और सी के बीच दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है आपको कितनी है, ठीक है। हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए आधार कितना है अपने पास में, 4, तो 4 का स्क्वायर में कितना लिख दूँ, 16, प्लस लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और बराबर में मेरे पास में कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। 16 और 9 गया 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर मेरे पास में क्या आ गया, 25, कर्ण स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया, 25। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25 का ये स्क्वायर है वो रूट लग जाएगा इस साइड में, तो 25 का रूट क्या होता है, 5, तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है बोर्ड मास से, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट को हल किया, 5 में से 4 गया 1 इंटू में, 7 में से 3 गया कितना, 4, और भाग में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, करेक्ट आंसर इज 1 राइट, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यह शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करते हैं, ऑप्शन ए है ग्राहक संतुष्टि, बी अधिकारिता, और ऑप्शन सी है नवाचार, और ऑप्शन डी है नीति। तो अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीति, सही क्या होगा, नीति, ठीक है। एथिक्स का ये क्वेश्चन था, और आपको इस टॉपिक के वीडियो हैं वो डाले जा रहे हैं, उन वीडियोस को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा वहाँ से, तो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है प्रत्येक पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक बैग में डाक लेखों का वितरण जिसमें किराएदार द्वारा ताला और डुप्लीकेट चाबी की आपूर्ति की जाती है, यह सुविधा सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए अपने जो किराए पे लिए जाते हैं कुछ ऐसा किराएदार और ताला डुप्लीकेट चाबी आपूर्ति की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स, पोस्ट बैग और डाक बिन, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पोस्ट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटनी बोवेज का संबंध से है, कौन से हैं, ऑप्शन ए है स्टाम्प की प्रिंटिंग मशीन, ऑप्शन बी है डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन, ऑप्शन सी है पोस्टल वैलेंट सिस्टम, और डी है नोडल डिलीवरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाकघर स्वचालित फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने की आधिकारिकता किसके पास है, तो लाइसेंस जारी कौन करता है, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी कौन करता है, डीजी, सीपीएमजी और पीएमजी और डिवीजन प्रमुख। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कौन करता है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस प्रदान। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अपने पास में ऑप्शन डी डिवीजन प्रमुख है वो फ्रैंकिंग मशीन, स्वचालित फ्रैंकिंग मशीन है, उनके लाइसेंस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए
पहला वाक्य क्या है? राजस्व टिकट केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा वाक्य है, इन टिकटों का उपयोग डाक भार के लिए नहीं किया जा सकता। कौन से कथन सही है? तो पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि राजस्व टिकट केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये सही है। दूसरा जो वाक्य है वो है, इन टिकटों का उपयोग डाक भार के लिए नहीं किया जा सकता। तो डाक भार के लिए नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। तो इसका सही कथन क्या होगा? दोनों सही, ऑप्शन सी 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, 26 नंबर क्वेश्चन, डाक घर की छुट्टियों के रूप में किन छुट्टियों को माना जाता है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गुरु नानक जयंती, ऊपर के सभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही, ये सभी छुट्टियां मनाई जाती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, उप डाकघरों में पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे आमतौर पर होते हैं। उप डाकघरों में पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे हैं वो कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2-3 घंटे, बी 4-5 घंटे और सी 1 घंटा और डी 6-7 घंटे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6-7 घंटे। यहाँ पे 6-7 घंटे का टाइमिंग रखा जाता है उप डाकघरों के अंदर पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, 24 नंबर क्वेश्चन है, डाकघर के संबंध में पिन का पूरा रूप क्या है? तो पिन की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या होगी? डाक भारतीय नंबर, डाक सूचकांक संख्या, व्यक्तिगत पहचान संख्या और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, यानी पोस्टल इंडियन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऑल ऑफ अबो। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पोस्टल इंडेक्स नंबर है वो पिन होता है। पिन की फुल फॉर्म क्या है? पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी डाक सूचकांक संख्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र के लिए पता लिखते समय कौन सी जानकारी का उल्लेख करना चाहिए? प्राप्तकर्ता का पूरा नाम, पेशा, प्लेट नंबर, मोहल्ला, पिन कोड आदि, ऊपर के सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऊपर के सभी, यानी ये सभी लिखना होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लिए पता लिखना है तो उसका प्राप्तकर्ता का नाम होना जरूरी है, क्योंकि देने जाएंगे तो कोई प्राप्तकर्ता होना चाहिए। वो पेशा, वो नौकरी क्या करता है या फिर कोई व्यवसाय है उसका, मतलब जिससे वो संबंधित है वो, और उसका फ्लैट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी है, मोहल्ला और पिन कोड उसके ऊपर होना आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज राइट। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निषिद्ध लेखों के अंतर्गत क्या आता है? तो इनमें से कौन सा है वो निषिद्ध के अंदर आता है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, कोई भी जीवित प्राणी या अन्य वस्तु जो या तो हानिकारक हो या तो अन्य डाकलेखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन बी है, लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन। ऑप्शन सी है, सोने का सिक्का या बुलेटिन, या बुलियन या दोनों का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक, और ऊपर के सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऊपर के सभी। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिक्के वगैरह है वो 10,000 तक मूल्य का ले जा सकते हैं, 10,000 से अधिक नहीं। लॉटरी है वो गवर्नमेंट की है तो है, अन्यथा नहीं। और ये जो है जीवित प्राणी ऐसा कुछ है ही नहीं, और जो नुकसान पहुंचा दे ये भी गलत है। तो ये सभी निषिद्ध हैं, ऊपर वाले तीन ऑप्शन निषिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। निषिद्ध लेख पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का पहला है सेक्शन फर्स्ट, दूसरा सेक्शन सेकंड और तीसरा सेक्शन फोर्थ और सेक्शन फाइव। तो निषिद्ध लेख पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सेक्शन फोर्थ के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, रात्रिकालीन डाकघरों में कौन सा कार्य स्थगित करता है? ए लेखों की बुकिंग, बी TMOS के इशू, और ऑप्शन सी IPO की बिक्री, ऑप्शन डी लेखों की डिलीवरी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेखों की डिलीवरी कार्य स्थगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए
ठीक है, जो वाक्य दिए गए हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर। पहला है पीओ गाइड के अनुसार डाक घर में, डाक घर के तीन वर्ग होते हैं। नीचे सेकंड वाक्य है पीओ गाइड पार्ट के अनुसार एचओ एसओ बीओ डाक घरों के तीन वर्ग हैं। नंबर तीन है पीओ गाइड के अनुसार डाक घरों के चार वर्ग हैं। और नंबर चार यहाँ पे है मूल्य देय वस्तु और मनी ऑर्डर सेवा के डाक घरों के पते पर बुक नहीं किए जाएंगे। अब ऑप्शन दे रहे हैं कि इन जो चार वाक्य दिए गए हैं इनमें से सभी सही है, ऑप्शन बी है कोई सही नहीं है, ऑप्शन सी है एक दो और तीन, एक दो और चार सही है, और डी है एक और दो सही है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो तीन नंबर लाइन है वो सरासर गलत है कि इसने कहा है पीओ गाइड पार्ट के अनुसार डाकघर के चार वर्ग होते हैं। तो वर्ग कितने होते हैं अपने, टोटल तीन होते हैं, जिसमें सबसे पहले एचओ एसओ और बीओ। ठीक है, इनका वर्ग क्रमांक भी पूछा जा सकता है कई बार, और पीछे जो मैंने कल वीडियो डाली थी, पीछे वाली वीडियो थी, उसके अंदर ये पहला ही क्वेश्चन था कि कितने प्रकार के होते हैं, और वहाँ मैंने आपको समझाया भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो तीन नंबर गलत है, इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, या तो सी या फिर डी। अब देखिए चार नंबर सही है या नहीं है, तो चार नंबर क्योंकि एक और दो इसमें भी है, एक और दो इस ऑप्शन में भी है, तो चार नंबर को जानते हैं हम सही है या नहीं है। इतने तक आप कमेंट में कीजिए कि मूल्य देय वस्तु और मनी ऑर्डर सेवा के डाकघरों के पते पर बुक नहीं किए जा सकते, सही है, ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब है कि यहाँ कौन से ऑप्शन सही है, यहाँ ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर लाइन सही है, दो नंबर सही है और चार नंबर सही है, और तीन नंबर लाइन है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, मिलान कौन सा सही है, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ये एकदम करेक्ट है, और ऑप्शन बी है एमपीएलएस, यानी अपने को सही पूछा था तो ओएफसी है वो सही है, ओएफसी सही है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, जैसे मान लो ये रोड होता है और रोड के साइड में जो ऐसे पत्थर लगे रहते हैं कि जैसे मान लो ये लिखा है कि 10 किलोमीटर दिल्ली 10 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे ही कुछ येलो कलर से संबंधित ऐसे सीधे बिल्कुल पतले से आपको ऐसे पत्थर लगा मिलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा ओएफसी, ओएफसी ये ऑप्टिकल फाइबर होती है, जैसे मान लो इंटरनेट की हो गई या फिर कोई टीवी से संबंधित हो गई, ठीक है, उसके ऊपर लिखा ही रहता है कि यहाँ से एक ओएफसी केबल है वो नीचे से गुजर रही है। ठीक है, तो ओएफसी का सही है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन ए करेक्ट था। नेक्स्ट है वी सेट का विस्तार करें, वी सेट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बड़ा छोटा एक्सपेचर टेस्ट, और सी है विभिन्न प्रकार के स्टैटिक एयरबोर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है बहुत बड़ा अपेर्चर टर्मिनल, और डी है महत्वपूर्ण रोग सूचक कुल टर्बाइन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 16 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सही है, डीबीओ जिला बैंक कार्यालय, ऑप्शन नंबर दो है एचआरओ प्रधान अभिलेख कार्यालय, ऑप्शन तीन नंबर है डी सेक्शन सेंट्रल बैंक ऑफिस, और चार नंबर है आरएलओ क्षेत्रीय भाषा अधिकारी। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए है एक सही, ऑप्शन बी है एक दो और तीन सही है, ऑप्शन सी दे रखा है दो और चार सही है, और डी में दे रखा है कि सभी सही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी एक दो और तीन नाम है वो, तीन लाइन है वो सही है, एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी एक दो तीन लाइन सही है, ये गलत हो गया, भाषा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफिसर आरएलओ नहीं होता, ठीक है, रूरल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने को, मुख्य नगर जहां मेल का बहुत अधिक ट्रैफिक होता है, उन कार्यालयों में उच्च छटाई गति वाली मशीन होती है, उन कार्यालयों को क्या कहा जाता है, स्वचालित आरएमएस, ऑप्शन बी है एएमपीसी, ऑप्शन सी है एचपीएमसी, और ऑप्शन डी है बीएनएलपीपी, बीएनपीएल। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी एएमपीसी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, AMPC। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में, RMS की शाखा जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं लेकिन पत्रों की छंटाई नहीं की जाती, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान डाकघर, ऑप्शन बी शाखा डाकघर, ऑप्शन सी है ट्रांजिट मेल बैग और ऑप्शन डी है डिवीजन कार्यालय। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रांजिट मेल बैग, मेल ऑफिस। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं लेकिन जो पत्र हैं उनकी छंटाई नहीं की जाती, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण डिवाइस का उपयोग किन कार्यालयों में किया जाता है? उप डाकघर, बी मुख्य कार्यालय, सी शाखा कार्यालय और डी ट्रांजिट कार्यालय। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ट्रांजिट कार्यालय। तो दर्पण डिवाइस का उपयोग है वो ट्रांजिट कार्यालय के अंदर किया जाता है, ट्रांजिट ऑफिस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन के सही सम्मिलित बताना है कि कौन सा है? RMS रेलवे मेल सेवा, और दो नंबर है SSPOS वरिष्ठ अधीक्षक कार्यालय, और ऑप्शन नंबर 3 है अपने पास में, सॉरी कथन 3 है ESMO विस्तृत सैटेलाइट और गनी ऑर्डर, 4 नंबर है HMS हाइब्रिड गैल सेवाएं। तो अगर एक नंबर कथन सही है तो ऑप्शन ए बी है, 1 और 2 3 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, और डी है कि सभी सही है, 1 2 3 4 यानी चारों चारों सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का अपना सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी बातें सही है। RMS होता है रेलवे मेल सेवा, और SSPOS होता है वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, और ESMO होता है विस्तृत सैटेलाइट गनी ऑर्डर, और 4 नंबर है HMS हाइब्रिड गैल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है, PMG का विस्तार क्या है? PMG का विस्तार क्या है? एक्सपेंड PMG। तो ऑप्शन ए है निगरानी के बाद के समान, ऑप्शन बी है पोस्ट मास्टर ग्रेड, और सी है गोवा के पार्सल प्रबंधक, और डी है पोस्ट मास्टर जनरल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर जनरल है, उनको क्या बोलते हैं? PMG पोस्ट मास्टर जनरल, PMG पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है? PMG फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेल सेवाओं से संबंधित सामान्य जानकारी किस मोबाइल एप्लीकेशन से निकाली जाती है? मेल सेवाओं से संबंधित सामान्य जानकारी किस मोबाइल एप्लीकेशन से निकाली जा सकती है? तो PMA पोस्ट इन्फो ऐप, अन्यथा IPB। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोस्ट इन्फो ऐप, पोस्ट इन्फो ऐप, ऑप्शन बी इज राइट। अन्यथा आपको बतानी है कि इसके लिए होगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनी ऑर्डर की जगह इन दिनों डाकघरों में किस तरह की सेवाएं ले ली है? तो मनी ऑर्डर की जगह है वो डाकघर ने कौन सी सेवा ले ली है? बैंकिंग, पोस्टल ऑर्डर, EMO और IPB। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी EMO, इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर बॉक्स को खाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? लेटर बॉक्स को खाली कौन करेगा? ऑप्शन ए है डाकिया, बी है डाकपाल, और सी है LB चपरासी, और डी है SSP। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चपरासी है वो, LB चपरासी है वो क्या करेगा? लेटर बॉक्स को खाली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक भाषा में FRB का विस्तार क्या है? FRB की फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है अपने पास में फ्रीक्वेंटली रजिस्टर्ड बॉन्ड, ऑप्शन बी है फ्लैट रेट बॉक्स, ऑप्शन सी है फर्स्ट राउंड बैटल, ऑप्शन डी है फॉर्म रिटर्न राउंडेड बेड। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी फ्लैट रेट बॉक्स, यानी फ्लैट रेट बॉक्स है वो फुल फॉर्म क्या है उसकी? FRB होती है, FRB की फुल फॉर्म है फ्लैट रेट बॉक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, किन मेल लेखों का
बीमा किया जा सकता है? ऑप्शन ए पंजीकृत पत्र, ऑप्शन बी मूल्य दे पंजीकृत पत्र, ऑप्शन सी है पंजीकृत पार्सल और मूल्य दे पंजीकृत पार्सल, और डी है ऊपर के सभी। तो छह नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो किन मेलों का बीमा किया जा सकता है? लेखों का बीमा किया जा सकता है, तो पंजीकृत, मूल्य दे पंजीकृत और पंजीकृत पार्सल और मूल्य दे पंजीकृत पार्सल का, पंजीकृत सभी। ठीक है, ऊपर के सभी उत्तर इसका सही रहेगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, किसी भी अतिरिक्त हवाई शुल्क के भुगतान के बिना किस वर्ग के मेल को निश्चित रूप से एयर ट्रांसमिशन दिया जा सकता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अन्य वर्ग और पार्सल। तो पांच नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी है। प्रथम श्रेणी है उसको क्या है, वर्ग मेल निश्चित रूप से ही उसे क्या दिया जा सकता है, एयर ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। चार नंबर का पहला कथन है, क्षय रोग थूक ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम्स, ठीक है, प्याग संस्कृति, और नंबर दो है इसके अंदर एंथ्रेस स्पोर वैक्सीन मेल के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। ये सभी सही है, सभी गलत है, केवल एक सही है, और डी सभी सही है लेकिन पीओ गाइड में उल्लिखित शर्तों के अधीन। तो चार नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये सभी प्रेषित तो की जा सकती है, ठीक है, पर पीओ गाइड पार्ट में जो उल्लेखित है उन शर्तों के अधीन किया जाएगा। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन है, किसी भी लेग को पारगमन के दौरान ना तो रोका जा सकता और ना ही पुनः निर्देशित किया जा सकता, और दूसरा कथन दिया गया है, तो केवल वही डाकघर उनको पुनः प्रेषित कर सकता है जिनके लिए संबोधित किया गया हो। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल बी, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीन नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन सही है। और पहला क्वेश्चन अपना, पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से मेल लेखों की डिलीवरी, निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लेखों की डिलीवरी, ऑप्शन बी है फ़ोन के जरिए ग्राहकों के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, और ऑप्शन सी है वास्तविक वितरण समय अपडेटिंग, और ऊपर के सभी। तो दो नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी किए जा सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से मेल लेखों की डिलीवरी के अंदर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से डिलीवरी, और उसके बाद दूसरा कथन था अपना कि फ़ोन के जरिए ग्राहकों का सिग्नेचर लिया जा सकता है, सही है, और वास्तविक वितरण समय की अपडेटिंग रहती है कि किस समय इसका वितरण हुआ है एंड डिलीवरी हुई है, और ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। आज का अपना पहला क्वेश्चन जो मैंने बीच में ही पूछ लिया था कि नन्यथा किससे जुड़ा है, अगर आपने तब कमेंट किया तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। आज की अपनी जो ये 11 नंबर क्लास थी स्टडी पॉइंट आरसी की, 11 नंबर क्लास थी हरियाणा का 2020 का एमटीएस का जो पेपर था वो, इससे पहले हमने 10 क्लास दे दी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होने स्टार्ट होते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो नन्यथा किससे जुड़ा हुआ है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेटर बॉक्स की निकासी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। आज के लिए बस इतना ही,